हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2021 3400 परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी हुए थे 2021 में। ऑफिशियली उनकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है कि ऑफिशियली वो रद्द हो गया। रद्द मतलब कैंसिल हो गया, अभी उसमें आगे कुछ भी नहीं होगा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कहाँ देख सकते हैं, और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी तो उसमें एक क्वेरी बहुत है कि रिफंड फी रिफंड का बहुत इशू है, क्योंकि फी बहुत हाई थी और सभी ने फी पेमेंट की है। किसी किसी ने दो दो अलग अलग सब्जेक्ट मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अगर अप्लाई किया था तो अलग अलग फी पेमेंट की थी, तो काफी ज्यादा फी चली गई है। तो फी रिफंड मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फी रिफंड कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस है, तो दोनों तीनों बातें हम डिस्कस करेंगे कि ये नोटिस आप कहाँ देख सकेंगे और फी रिफंड के लिए क्या है, कैसे है। आपको याद होगा कि ये ऑफिशियल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी जो पूरी कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी गई थी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, तो एक अलग सी वेबसाइट क्रिएट की गई थी और इसी के थ्रू में आप लोगों ने एप्लीकेशन डाला था। बट ऑफिशियली जो कैंसिल हो गया है, एक्चुअली ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो ये जो पेज बनाई गई थी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अलग से बनाई गई थी, क्रिएट की गई थी, कि यहाँ से सारी नोटिफिकेशन अलग से कैंडिडेट्स देख सकेंगे, फिल कर सकेंगे, कोई और अपडेट आएगी तो वो देख सकेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर नोटिस डालनी चाहिए थी, डाली नहीं, डाला गया है नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंतर्गत ही एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आते हैं। तो इसके टेंडर वैकेंसीज एंड एडवर्टीजमेंट सेक्शन में EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ETSSE 2021 न्यू करके ये अपडेट आई है। इसको डाउनलोड किया और पढ़ा मैंने, तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया कहाँ पे नोटिस आपको देखनी है। मेन जो वेबसाइट जहां से अप्लाई किया वहां नहीं है, जहां पर है वो मैंने आपको बता दिया। लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, आप भी जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नोटिस जारी कर दी गई है www.tribal.nic.in पर। तो इसमें यहाँ पर 29 जून को एक्चुअली ये रिलीज की गई थी, मैंने 29 जून नहीं 30 जून को 30 जून को मैंने ये अपडेट आपको वीडियो के थ्रू दे दी है। अब इसमें क्या है कि पहले तो पोस्टपोन किया गया एग्जामिनेशन को 31 मई 2021 को नोटिस जारी करके, और फाइनली 29 जून को ये नोटिस जारी की गई है। इट इज इन्फॉर्म दैट ETSSE 2021 हैज बीन कैंसल्ड। कैंसल्ड मतलब अब ये खत्म हो गया, ये पूरा मैटर ओवर हो गया, अभी इसमें कुछ नहीं होना है। द एप्लीकेशन फी पेड बाय कैंडिडेट विल बी रिफंडेड। तो अब रिफंड की बात करते हैं हम, तो रिफंड कैसे होगा। आप लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट की थी, तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप लोगों ने जो भी मोड चूज किया था, तो उसमें आपका वो एप्लीकेशन के समय वो दिखाई देता है पेमेंट का ऑप्शन, तो उसी ऑप्शन से वापस आपको लौट जाएगा आपका फी। जब भी गवर्नमेंट रिटर्न रिफंड करेगी सभी कैंडिडेट्स को, और जैसे किसी भी कैंडिडेट को पैसा रिफंड आता है, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें, सो दैट बाकी जो लोग हैं फॉलो अप कर सके कि उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है रिफंड। ऑटोमेटिकली रिफंड आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिकली आपने जो मोड चूज करके पेमेंट करी थी जिस भी बैंक को यूज करते हुए, उसी में अकाउंट में, उसी अकाउंट नंबर में ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट आपको रिफंड खुद कर देगी। और इस वीडियो में आकर जिन कैंडिडेट्स को रिफंड मिलती जाएगी वो प्लीज अपडेट करते जाएं बाकी के कैंडिडेट्स की हेल्प के लिए जिनको नहीं मिल रही है। बाद में अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है तो ये टोल फ्री नंबर, ये नंबर दिया गया, इस पे भी आप कॉल करके बोल सकते हैं कि बाकी सबके रिफंड आ गए मेरे नहीं आए। अब कुछ कैंडिडेट ने कैफे वगैरह में जाके पेमेंट करी थी, तो वो कैफे वालों से आपको बात करनी होगी, रिफंड उनको ही आएगा क्योंकि उनके थ्रू आपने जो भी अकाउंट नंबर यूज करते हुए आपने फॉर्म भरा था उसी अकाउंट में वापस से ऑटोमेटिकली रिफंड गवर्नमेंट कर देगी। इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट रिफंड करेगी। अब कैफे वालों से फिर आपको बातचीत करनी होगी कि ऐसे ऐसा हो गया है, ये दिखाना पड़ेगा आपको, और उनसे फिर आप कोऑर्डिनेट करके कैफे वालों से पैसे ले सकते हैं। और जिन्होंने डायरेक्ट खुद अपने आप से भरा है उनको अपने आप ऑटोमेटिकली पैसे आपके अपने अकाउंट में आ जाएंगे। होप इट इज क्लियर। हाँ, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। टेंडर वैकेंसीज एंड एडवर्टीजमेंट नीचे में है, उसमें स्क्रॉल, ये देखें यहाँ पर नीचे, इस पे एक बार क्लिक करेंगे टेंडर वैकेंसीज एंड एडवर्टीजमेंट, तो ये पेज ओपन होगी। इसी में ये हमारे टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन वाली PDF है जिसमें लिखा है कि ये कैंसिल हो गया है।